1970s में क्राइसलर ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, हायर इन्फ्लेशन एंड हायर इंपोर्ट ऑफ द कार्स, और इसी वजह से कंपनी कंटिन्यूस लॉस पोस्ट कर रही थी। इन 1980s कंपनी ने एक साल में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का लॉस पोस्ट किया था। क्राइसलर को टर्न अराउंड करने के लिए मिस्टर आयागो का इनको अपॉइंट किया जो फोर्ड के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। क्राइसलर को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इमीडिएटली कॉस्ट कटिंग मेजर्स इंप्लीमेंट किए, बट यही समय में जो स्टॉक है वो लगभग $10 से $1 तक फॉल हो चुका था एंड ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट होने वाली थी। इसी समय पीटर लिंच आयागो को मिले थे और इसके अलावा उन्होंने उनके खुद के ग्राउंड चेक्स भी किए एंड $6 पे ये जो स्टॉक है वो खरीदा था, और बाद में आयागो ने क्राइसलर को सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया और जो स्टॉक पीटर लिंच इन्होंने $6 को खरीदा था वो बाद में 5-fold हो गया इन 2 years एंड लगभग 15 टाइम्स हो गया इन नेक्स्ट 5 years। तो यदि आपको भी ऐसे माइक्रो साइज कंपनीज के बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।